अस्सलाम वालेकुम हबीबी, नदीम मिमन फ्रॉम द लैंडमार्क रेडी। हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आप सभी को ईद उल अदा की बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारे पास जो प्रॉपर्टी है फ्रॉम मुमरा स्टेशन टू शिलफटा, अलग अलग वेरिएंट्स में है। अब मेरे पास एक न्यू प्रॉपर्टीज आई है जो नियर टू पोजीशन है, 33 लाख से 1 BHK स्टार्ट होता है, जो मार्केट में सबसे चैलेंजिंग रेट है और ये नियर टू पोजीशन है। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल करें। कॉल बिजी आए तो क्या करना है पता है आपको, व्हाट्सअप करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एक तरफ जहां भारत चांद पर चला गया है, पर वहीं अभी भी भारत के कुछ गांव ऐसे हैं जो बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। मुंबई से कुछ किलोमीटर दूरी पर ही मुरबाड़ तालुका की ये तस्वीर है, जहां गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने के लिए डोली का सहारा लेना पड़ रहा है। आज भी ये आदिवासी गाँव में एम्बुलेंस जैसी सुविधाएँ नहीं है। एक तरफ सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, वहीं विकसित भारत में बुलेट ट्रेन मेट्रो समृद्धि हाईवे है, मगर वहीं दूसरी तरफ डोली में गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने की ये तस्वीरें अपने आप में सरकार पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। मुरबाड़ तालुका के ग्रामीण इलाके की ये तस्वीर विकसित भारत की है। मुंबई पासून हकेच्या अंतरावर असलेल्या मुरबाड तालुक्यातली आरोग्य यंत्रणा कोलमडलेली असल्याचे आपल्या निदर्शनात येत असून, योग्य वेळी आदिवासी समाजाला रुग्णालयापर्यंत पोहोचण्यासाठी वाहन व्यवस्था उपलब्ध होत नाहीत। नुकतीच एका आदिवासी महिलेची प्रसूतीची वेळ आली असताना तिला योग्य वेळी वाहन न मिळाल्यामुळे तिला तिच्या नातेवाईकांनी डोलीची व्यवस्था करून आणि मुरबाड येथील ग्रामीण रुग्णालयात तिला प्रसूतीसाठी दाखल केले। त्यानंतर तिची प्रसूती सुखरूप झालेली आहे। शासनाने प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये 108 या रुग्णवाहिकेची व्यवस्था केलेली असली तरी ती योग्य वेळी मिळत नसल्याने अशी वेळ येथील आदिवासी समाजावर येत आहे, हे मुरबाड तालुक्याचं दुर्दैव आहे।